हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। गाइस, पिछली वीडियो में हमने सोनेट के HTE और वेन्यू के E वेरिएंट्स को आपस में कंपेयर किया था, यानी कि सोनेट और वेन्यू के बेस वेरिएंट्स को कंपेयर किया था और जाना था कि आखिर क्यों आपको पेट्रोल में इन दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट के बजाय नेक्सॉन के बेस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। और रही बात डीजल की, तो दोनों में से कौन सी गाड़ी डीजल में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, यह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं सोनेट HTK और वेन्यू S को। दोनों ही गाड़ियों के ये दो वेरियंट्स सेकेंड बेस वेरियंट्स हैं, तो आइए करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन और जानते हैं कि इन दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों ही गाड़ियों की प्राइस बता देता हूँ। किया सोनेट HTK की प्राइस है 7,59,000 रुपये एक शोरूम पेट्रोल में, और अगर डीजल लेते हैं तो 8,99,000 रुपये एक शोरूम। वहीं वेन्यू S की प्राइस है 7,46,700 रुपये एक शोरूम पेट्रोल में, और अगर डीजल लेते हैं तो 9,07,500 रुपये एक शोरूम। तो यहां आप देख सकते हैं कि वेन्यू S सोनेट HTK से पेट्रोल में लगभग 8,000 रुपये ज़्यादा महंगी है, और अगर ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 8,000 रुपये का डिफरेंस 12,000 से 14,000 रुपये तक चला जाएगा, और डीजल में लगभग 9,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। और अगर डीजल का ऑन रोड प्राइस कंपेयर करेंगे तो यही 9,000 रुपये का डिफरेंस लगभग 15,000 रुपये तक चला जाएगा। इसी के साथ साथ आपको वेन्यू के अंदर S वेरिएंट में 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ, जिसकी प्राइस है 8,52,000 रुपये एक शोरूम मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 9,66,000 रुपये एक शोरूम डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। लेकिन सोनेट के साथ अगर आपको ये 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन चाहिए तो उसके लिए आपको इसके HTK प्लस वेरियंट के साथ जाना होगा, क्योंकि सोनेट के HTK वेरियंट में आपको 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब एक नज़र दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं वेन्यू से। तो वेन्यू की लेंथ आपको मिलेगी 3,995 mm की, विड्थ मिलेगी 1,770 mm की, हाइट मिलेगी 1,605 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,500 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 190 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 350 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 45 लीटर की। वहीं सोनेट की लेंथ आपको मिलेगी 3,995 mm की, विड्थ मिलेगी 1,790 mm की, हाइट मिलेगी 1,642 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,500 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 205 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 392 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 45 लीटर की। तो आप यहां देख सकते हैं कि लेंथ, व्हीलबेस और फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ियों की एग्जैक्टली सेम है, लेकिन सोनेट विड्थ में वेन्यू से 20 mm चौड़ी है, सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस वेन्यू से 15 mm ज़्यादा है और सोनेट का बूट भी वेन्यू से 42 लीटर बड़ा है, और सोनेट अब आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस ऑफर करती है। टायर साइज़ की बात की जाए तो जहां वेन्यू S में आपको 195/65 R15 का टायर साइज़ मिलेगा, तो वही सोनेट HTK में आपको 20 mm चौड़ा और 1 इंच बड़ा यानी कि 215/60 R16 का टायर साइज़ मिलेगा। अब अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC, ऑल 4 पावर विंडोज़, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, म्यूजिक सिस्टम विथ ब्लूटूथ ऑक्स एंड USB, 4 स्पीकर्स, डे एंड नाइट IRVM, फ्रंट एंड रियर एक्सेसरी सॉकेट, USB पोर्ट, ड्राइवर आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, रियर AC वेंट्स, फोल्डेबल की, सेंट्रल लॉकिंग, फुल व्हील कैप्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ORVMs, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, ABS विथ EBD, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर रिफ्लेक्टर्स, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट्स रिमाइंडर, सीट बेल्ट्स प्रिटेंशनर्स विथ फोर्स लिमिटर, फ्रंट सीट्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट और इको कोटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको इन दोनों ही गाड़ियों में कुछ यूनिक फीचर्स भी मिलते हैं। शुरू करते हैं वेन्यू से। तो वेन्यू के S वेरिएंट में आपको क्रोम ग्रिल, सिल्वर फिनिश्ड रूफ रेल्स,
रियर डिफोगर, वन टच ऑटो अप डाउन ड्राइवर्स पावर विंडो, फ्रंट टू ट्विटर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर एक्सेसरी सॉकेट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, रियर पार्शल ट्रे, लगेज लैंप और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो वहीं सोनेट के एच टी के वेरियंट में आपको फोलोमी होम हेडलैम्प्स, अम्ब्रेला होल्डर इन फ्रंट डोर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सेमी लेदर अपोलोस्ट्री, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फास्ट चार्जिंग पॉइंट फ्रंट एंड रियर, डुअल केबिन लाइट और सनग्लास होल्डर जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब अगर इंजन्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स में आपको दो इंजन्स कॉमन मिलते हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। पेट्रोल इंजन आपको मिलता है 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 83 पीएस और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस इंजन की माइलेज है 17.52 kmpl ARAI वेन्यू के साथ और 18.4 kmpl ARAI सोनेट के साथ। डीजल इंजन की बात करें तो इन गाड़ियों में आपको एक 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन भी मिल जाता है जो 100 PS और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन दोनों ही गाड़ियों में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस इंजन की माइलेज है 23.4 kmpl ARAI वेन्यू के साथ और 24.1 kmpl ARAI सोनेट के साथ। इसी के साथ साथ वेन्यू के एस वेरिएंट में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है जो 120 पीएस और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन वेन्यू में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डीसीटी के साथ आता है। लेकिन ये इंजन आपको सोनेट के एचटी के वेरिएंट में फिलहाल नहीं मिलता है। सोनेट में अगर आप ये इंजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एचटी के प्लस वेरिएंट के ऊपर जाना होगा। अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि आपको वेन्यू एस और सोनेट एचटी के दोनों में से कौन सी गाड़ी कंसीडर करना चाहिए। देखिए, मैं फिर से आपसे यही कहूँगा पिछली वीडियो की तरह कि वेन्यू और सोनेट का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको यहाँ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी जगह बेहतर है कि आप नेक्सॉन एक्सएम पेट्रोल की तरफ जाएं, क्योंकि एक तो नेक्सॉन एक्सएम भी आपको वेन्यू एस और सोनेट एचटीके की प्राइस ब्रैकेट में ही मिल जाती है, और फिर उसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, और सेफ्टी फीचर्स भी वेन्यू एस और सोनेट एचटीके से ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ऐसे में आप आँख बंद करके नेक्सॉन एक्सएम पेट्रोल की तरफ जा सकते हो। अब रही बात ये कि वेन्यू में भी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल तो जाता है, लेकिन वो नेक्सॉन एक्सएम पेट्रोल से लगभग 80,000 रुपये तक महंगा है। वेन्यू एस टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन पर 80,000 रुपये ज़्यादा लगाने से बेहतर है कि आप नेक्सॉन पेट्रोल XMS वेरिएंट के साथ जाएं। उसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे बढ़िया फीचर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कोई गाड़ी लेना है तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा वेन्यू एस टर्बो डीसीटी ट्रांसमिशन, क्योंकि नेक्सॉन में आपको 6 स्पीड AMT ट्रांसमिशन ही मिलता है। अब रही बात डीजल इंजन की, तो यहाँ मेरा सजेशन होगा आपको सोनेट एचटी के डीजल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये वेन्यू से लगभग 15,000 रुपये सस्ती है, और लुक्स की मैं अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं सोनेट का लुक आपको एक SUV की फील देता है। वहीं वेन्यू को देखें तो स्पेशली बैक से ये थोड़ी बहुत हैचबैक का फील देती है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में थोड़े बहुत यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन स्टिल अगर मुझे दोनों में से कोई एक गाड़ी पिक करना होगी डीजल में तो मैं यहाँ सोनेट HTK पिक करूँगा फॉर श्योर। तो लास्ट में एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर पेट्रोल लेना है तो नेक्सॉन XM ज़्यादा बेहतर है सोनेट HTK और वेन्यू S की बजाय। अगर आप वेन्यू S का टर्बो पेट्रोल वेरियंट देख रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो उसकी जगह आप नेक्सॉन XMS ज़्यादा बेहतर है। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको गाड़ी चाहिए तो फिर वेन्यू एस टर्बो डीसीटी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेक्सॉन में 6 स्पीड AMT ट्रांसमिशन ही मिलता है। और अगर आपको एक डीजल में कार चाहिए तो उस केस में सोनेट HTK वेन्यू से एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो गाइज, ये तो था एक छोटा सा कंपेरिजन वीडियो बिटवीन होंडई वेन्यू एस एंड किया सोनेट HTK। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। मन में जो भी सवाल हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद।